दोस्तों आपने गूगल ट्रेंड्स एंड चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने गूगल ट्रेंड्स एंड चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, गूगल ट्रेंड्स बेसिकली गूगल का एक टूल है जिसके माध्यम से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हैं, साथ में आप किसी भी कीवर्ड के ट्रेंड का पता कर सकते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक टूल है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेरी के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से गूगल ट्रेंड एंड चैट जीपीटी के माध्यम से एफर्ट मार्केटिंग कर हंड्रेड्स ऑफ डॉलर को अर्न कर सकते। तो सबसे पहले आपको डिशो 24 के ऊपर आना है एंड डिशो 24 के ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप डिशो 24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एंड दोस्तों आपको यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज मिलती है जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नाउ अब आपको यहाँ पर एक कन्वर्टिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना है जिसका ट्रेंड इस समय गूगल या किसी भी अन्य सर्च इंजन के ऊपर चल रहा हो एंड कन्वर्टिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं गूगल ट्रेंड्स का। तो आपको गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आना है एंड इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। अब आपको यहां पर आना है, थ्री डॉट इसके ऊपर क्लिक करना है, देन एक्सप्लोर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा। अब आपको यहां पर छोटी सी सेटिंग को कर लेना है, जैसे कंट्री के अंदर आपको यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेना है, टाइम पीरियड के अंदर आपको यहां पर पास्ट 12 मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरीज के अंदर आपको यहां पर हेल्थ को सिलेक्ट कर लेना है, देन वेब सर्च के अंदर आपको यहां पर वेब सर्च को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर अपनी सेटिंग को कर ले उसके बाद अगेन आपको डिशो 24 के ऊपर आना है एंड यहां से आपको उस प्रोडक्ट को चूज कर लेना है जिसका आप यहां पर ट्रेंड चेक करना चाहते हो। जैसे कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी के ऊपर वर्क करना चाहता हूं तो यहां पर मैं हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करूंगा। तो सिंपली हम हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 126 रिजल्ट आते हैं, मीन्स हमारे सामने 126 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके ट्रेंड को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनको प्रमोट कर हम यहाँ पर मनी मेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले प्रोडक्ट का ट्रेंड यहाँ पर चेक करता हूँ जिसका नाम क्या है, द अल्टीमेट कीटो मील प्लान। तो यहाँ से हम इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर एंड सर्च टर्म के अंदर हम यहाँ पर इसके नेम को पेस्ट करते हैं देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है एंड यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट के ट्रेंड को चेक कर सकते हैं। नाउ हमारे सामने इस प्रोडक्ट के लास्ट 12 मंथ का डाटा आ चुका है एंड दोस्तों आप इस प्रोडक्ट के लास्ट 12 मंथ के ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे पीक्स नजर आ रहे हैं एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है एंड स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, इस प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं तो ना तो हमें यहाँ पर गूगल से ट्रैफिक मिलने वाला है ना ही हमें यहाँ पर सेल मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको उन प्रोडक्ट को इग्नोर करना है जिनका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब हम यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट के ट्रेंड को भी चेक करते हैं। अगेन हम जाते हैं डिशो 24 के ऊपर एंड यहाँ से हम दूसरे प्रोडक्ट के नेम को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर है स्मार्ट ब्लशर, उसके नेम को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, गूगल ट्रेंड के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम इसके नेम को पेस्ट करते हैं देन सर्च इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रोडक्ट के लास्ट 12 मंथ का डाटा आ जाता है एंड यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि लास्ट 12 मंथ में इस प्रोडक्ट के अंदर भी अप एंड डाउन नजर आ रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर अप आता है, फिर यहाँ पर डाउन आता है, फिर अप आता है, फिर डाउन आता है। इसी प्रोडक्ट भी लास्ट 12 मंथ के अंदर फ्लक्चुएटली वर्क कर रहा है, परंतु अगर हम इस प्रोडक्ट के लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो लेटेस्ट में ये प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहा है। अगर हम इसके आज के डेटा की बात करें तो आज ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अप जा रहा है, मीन्स अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आज ही कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसको अगर हम प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे सभी प्रोडक्ट्स के ट्रेंड को चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के ट्रेंड्स को चेक कर ले, वहां से आपको अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है जो अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है और जो प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उस प्रोडक्ट को आपको अपनी लिस्ट से हटा। अब मैं आपके साथ एक अन्य प्रोडक्ट भी शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट लास्ट 12 मंथ से कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। अब उसके ट्रेंड को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ये है हार्ट फॉर हेल्थ।
इस प्रोडक्ट का ट्रेंड मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से हम इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं, अगेन हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, यहाँ पर हम इसके नेम को पेस्ट करते हैं, देन एंटर इसको पर क्लिक। जैसे हम इसको पर क्लिक करते तो हमारे सामने इस प्रोडक्ट का डाटा आ जाता है, एंड यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट यहाँ पर लास्ट 12 मंथ में कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है इसका ट्रेंड यहाँ पर डाउन जा रहा है। अगर आप अन्य ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है जब भी इसका ट्रेंड डाउन गया है देन एकदम से इसका ट्रेंड अप भी गया है। अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो सीक्रेट यहाँ पर ही है, जब भी आपका ट्रेंड डाउन जाए उसी टाइम ही आपको अपने कंटेंट को पब्लिश कर, इससे बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे ही इसका ग्राफ ऊपर जाएगा वैसे ही आपके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाए। तो सिंपली हम यहाँ पर हर फॉर हेल्थ के ऊपर ही अपना कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं और इसको हम आज प्रमोट करने वाले। नाउ हमने गूगल ट्रेंड्स के माध्यम से एक सर्चेबल प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, अब हम इस प्रोडक्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले। एंड दोस्तों कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है एंड इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना। जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। अब आपको आना है सेंड ए मैसेज कर, एंड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है राइट 2000 वर्ड्स ऑन हर फॉर हेल्थ रिव्यू 202, देन सर्च इसको पर क्लिक कर। जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही मिनट का टाइम लगेगा एंड यहाँ पर आपका हाई क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से अपने कॉन्टेंट को कॉपी करना है एंड नोट पैड के अंदर आपको उसको सेव करना। नाउ अब बात करते हैं ट्राफिक की, मीन्स आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर गूगल से ट्रैफिक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों गूगल से ट्रैफिक निकालने के लिए आपको अपने कंटेंट को चुनिंदा वेबसाइट्स के ऊपर शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने कंटेंट को ब्लॉगर के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, medium.com के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, कोरा के ऊपर, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। अगर आप उनके ऊपर अपने कॉन्टेंट को शेयर करते हो तो आपके कॉन्टेंट गूगल के ऊपर रैंक करते हैं और वहां से आपको ट्राफिक मिल जाता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कोरा, तो सिंपली आपको कोरा के ऊपर आ जाना, देन कोरा के ऊपर आपको अपने नीच के अकॉर्डिंग स्पेस क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर हेल्थ फॉर हेल्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट करने हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना स्पेस बना लेना। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपना एक स्पेस बना रखा है तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना स्पेस क्रिएट कर उसके बाद आपको अपने स्पेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, जैसे कि यहाँ पर आपको अपने स्पेस का नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्पेस के लिए लोगो क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको अपनी बैनर फोटो लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर अपने कंप्लीट स्पेस को ऑप्टिमाइज कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर आना है पोस्ट इसको पर क्लिक करना है। जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। अब आपको यहाँ पर अपने कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ से अपने टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको AA इसको पर क्लिक करना है और H1 इसको पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने टाइटल के लिए हेडिंग क्रिएट करें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपने कंटेंट को कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से अपने कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर दे और इस कॉन्टेंट को आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज भी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी हेडिंग को ऑप्टिमाइज कर लेना है, हम इसको ऊपर कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी मैक्सिमम हेडिंग को भी बोल्ड कर देना है, जैसे कि मैं सभी हेडिंग्स को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देना है। अगर आप अपने कंटेंट के अंदर इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने कंटेंट के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ इमेज लगानी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंटर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ से आपको अपनी इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना कंप्लीट कंटेंट रेडी कर लें, टाइटल बना लें, इमेज लगा दें, हेडिंग सब हेडिंग को यहाँ पर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको अपना कॉल टू एक्शन देना है। अगर आप यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी अपने एफर्ट लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगेन हम AA के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लिंक्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपको जाना है रेशियो 24 के ऊपर
यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको अपने लिंक को पेस्ट कर देना है, देन ऐड इसको क्लिक कर। इस प्रकार से आप अपने कंटेंट के अंदर अपने एफर्ट लिंक्स को लगा सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने कोरा अकाउंट को प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज को क्रिएट कर लेना है और लैंडिंग पेज के लिंक को ही आपको यहाँ पर देना है। एंड लैंडिंग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे। सिंपली आप हमारे लैंडिंग पेज के प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और इसके माध्यम से आपको लैंडिंग पेज बनाना सीख लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपना कंप्लीट कंटेंट रेडी कर ले, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, फ्री इसके ऊपर क्लिक करना है, पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को शेयर करना है। एंड दोस्तों, कोरा स्पेस की अच्छी बात यहाँ पर यह है, अगर आप अपने कॉन्टेंट के अंदर अपने लिंक को ऐड करते हैं तो आपको कॉन्टेंट कभी भी यहाँ पर डिलीट नहीं होता। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने कॉन्टेंट को शेयर करते हैं एंड उसके अंदर अगर आप अपने लिंक्स को शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपका कंटेंट डिलीट हो जाता है। अगर आप अपने कंटेंट को सेफ रखना चाहते हैं और कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक चाहते हैं, जैसे कि मुझे लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पर 222 ट्रैफिक मिला है, अगर आप इसी टाइप का ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर कोरा स्पेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितना सारा कॉन्टेंट शेयर किया है एंड यहाँ पर हमने बहुत सारे लैंडिंग पेजेस के लिंक को डायरेक्ट भी शेयर किया हुआ है। सेम इसी तरीके से आप अपना एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से, आप यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने ऐप वर्किंग लगा सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर व्यूज मिलते हैं, साथ में आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर मैक्सिमम क्लिक्स भी आते हैं। अगर आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं तो वहां से आपके सेल्स निकलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। आई होप आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करते हैं तो विद इन 30 डेज आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लें ताकि किसी टाइप की यूनिक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँ।